हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, कल हम चैप्टर नंबर 3 में 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज है हमारी 3.2, क्वेश्चन हो गए थे 15 यानी 16 मार्क क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। 16 मार्क क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सरल करना है। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं और 2 की 2 स्क्वायर है 2 की पावर 2 2 √3 + 1 + 17 √2 - 1 ये लिखा। देखो दो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे। इसका परिमेयकरण अलग करेंगे, इसका परिमेयकरण अलग करेंगे। तो देखिए ये हमारा 2 की पावर 2 लिखा है, इसका परिमेयकरण हो जाएगा 2 √3 - 1 / 2 √3 + 1 / 2 √3 - 1 + 17। इसका 3 √2 माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऐसे ही 3 √2 माइनस और 3 √2 + 1। देखो नीचे हमारा सूत्र बन गया है, एक में प्लस की वैल्यू है, एक में माइनस, और तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 का स्क्वायर 2 √3 - 1 / ये बन जाएगा 2 √3 - 1 / 17 √2 + 1 / 3 √2 - 1 / 1। ये बात हो गई। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ा लें इसे, बहुत ही सिंपल है। अब ये तो हो गया आपका 2 का स्क्वायर 2 √3 - 1 / देखो 2 का वर्ग 4 √3 का 3 - 1 + 17 √2 + 1 / 3 का वर्ग 9 × 2 - 1 9 × 2 = 18 18 में 11 17 17 से 17 कट जाएगा। चाहती है 12 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 12 में से एक जाएगा तो बचेगा आपका 11। 2 √2 2 √3 - 1 चाहतिया 12 में से एक गया 11 बचा, प्लस 9 × 2 = 18 से गया 17, ये पूरा कट जाएगा 3 √2 + 1 9 × 2 = 18 में से 1 = 17 17 से 17 कट गया है। तो देखिए आगे ये बनेगा आपका, इसका गुणा करो तो देखो 2 × 2 = 4 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 तो ये बना आपका 8 √3 - 8 गुणा कर दो 8 √3 - 2 × 4 + 11 = 33 लासा ले लिया है 11 + 33 √2 = 11 और टोटल के बट्टे कितना आएगा एलसीएम 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, 8 √3 ऐसे ही रहेगा, 8 √3 + 33 √2 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 / 1 ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर दोबारा देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा था 2 / 2 / 2 √3 + 1 + 17 / 3 √2 - 1
तो इसका परमेकरण अलग किया है माइनस चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, इसके प्लस चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर ऐसे ही रहने दिया, नीचे सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो का वर्ग चार, चातिया बारह में से किया ग्यारह है, ऐसे ही तीन का वर्ग नौ गुणा दो, नौ दो अठारह में से किया सत्रह, सत्रह सत्रह कट गया है, ये ऐसे ही रहने दिया। अब क्या है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और चार, इसका एलसीएम ग्यारह तीन तैंतीस, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह में से चार जाएगा सात, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे हम बता देते हैं। क्वेश्चन सोलह में के ऐसे ही क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, आप अपनी बुक से स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है 17 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 16 में के उसी तरह क्वेश्चन है, आपको स्वयं सॉल्व करना है। अब देखो इसमें कह रहा है ए और बी के मान निकालने, इसी तरह के क्वेश्चन है। पहला है देखिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 बराबर ए प्लस बी रूट 3, इस वाले पक्ष से हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, माइनस से प्लस का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए बच्चों 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस था चिन्ह इसलिए प्लस चिन्ह का ऊपर गुणा किया है और नीचे भी करना है, माइनस है तो प्लस का, यानी कि हर के कंजुगेट चिन्ह का गुणा करते हैं बराबर ए प्लस बी रूट 3। देखो ऊपर बन गया होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 रूट 3 प्लस ये भी 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का रूट 3 से 3 बटे, ये सूत्र बना 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी रूट 3। देखो 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 हो गया 4 रूट 3 बटे 2 का वर्ग 4 रूट 3 का 3 ए प्लस बी रूट 3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए सिंपल है 4 प्लस वो 7 प्लस 4 रूट 3, 4 में से 3 जाएगा 1 ए प्लस बी रूट 3, एक का किस संख्या में डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस 4 रूट 3 बराबर ए प्लस बी रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 ए बी रूट 3, कंपेरिजन कर लो ए किसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए ए की वैल्यू 7 रूट 3 तो रूट 3 है, बी बराबर किसके हो जाएगा 4 के, ए किसके बराबर रखा है 7 के, रूट 3 रूट 3, बी किसके गुणा में है 4 के में, ठीक है तो ए बराबर 7 बी बराबर 4। देख कुछ नहीं था, हमने हर का कंजुगेट चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा किया था, माइनस था प्लस का ऊपर नीचे गुणा करके सूत्र बन गया है, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया है और नीचे का नीचे गुणा कर दिया है, सूत्र बना लिया। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमारा सूत्र नीचे बन गया है, सीधा सीधा हमने ए लिख दिया। ठीक, ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से है क्वेश्चन, एक और करा देते हैं हम इसका, सेकंड ही कर ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सरल से क्वेश्चन है बेटा। आराम से करिए, देखो सेकंड क्वेश्चन,
रूट सात माइनस दो बटे रूट सात प्लस दो बराबर ए रूट सेवन प्लस बी। ये प्लस है, माइनस इनका ऊपर नीचे गुणा करना है। कैसे? सात माइनस रूट सात माइनस दो बटे रूट सात प्लस दो रूट सात माइनस दो ए रूट सेवन प्लस बी। देखो रूट सात का रूट सात से सात, दो रूट सात, और अब दो रूट सात का इससे करेंगे, ये दो दूनी चार बटे रूट सात का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर ए रूट सात प्लस बी। आप देखो सात और चार होता है ग्यारह, और ये चार रूट सात, रूट सात का वर्ग सात, दो का वर्ग चार बराबर ए रूट सात प्लस बी। सात में से चार जाएगा तीन, और तीन का अलग अलग भाग कर दो, ग्यारह बटे तीन माइनस चार बटे, देखिए सात में से चार जाएगा तीन बचेगा, तो तीन का इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी तीन रूट सात बराबर ए रूट सात प्लस बी। तो देखो एक ही जगह ए सात जो है एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस चार बटे तीन, और बी की जगह क्या है, ग्यारह बटे तीन, बी की जगह ग्यारह बटे तीन हो गया है। क्वेश्चन सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 17वां क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड पार्ट, अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दिया। देखो 18 क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू क्या दे रहे हैं, रूट पाँच माइनस दो रूट पाँच प्लस दो, y की वैल्यू है रूट पाँच प्लस दो बटे रूट पाँच माइनस दो। इसमें x स्क्वायर का मान पूछा है और y स्क्वायर का कई क्वेश्चन पूछे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आंसर पूछे। एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो एक्स परमीकरण करो, रूट पाँच माइनस दो रूट पाँच प्लस दो, यानी माइनस ये प्लस है तो माइनस का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी एक्स बराबर रूट पाँच का रूट पाँच से पाँच, दो रूट पाँच, दो रूट पाँच और दो का दो से गुणा चार बटे ये बन गया रूट पाँच का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर। पाँच और चार कितना हो जाएगा, नौ, और इसे जोड़ के माइनस चार रूट पाँच बटे रूट पाँच का पाँच दो का चार, पाँच में से चार जाएगा एक बचेगा, एक एक बात हो गया आपका x की वैल्यू। अब x स्क्वायर निकालना है तो इसी एक्स स्क्वायर, एक्स का मान नाइन माइनस चार रूट पाँच इसका होल स्क्वायर, सूत्र खोल दीजिए, नाइन का स्क्वायर प्लस चार रूट पाँच का स्क्वायर माइनस
दो गुणा देखो, दो गुणा नौ गुणा चार रूढ़ पांच, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, नौ का वर्ग 81, चार का वर्ग 16 गुणा पाँच, और ये हो गया 9 दो 18, 18 72 जोड़ 5, 16 पंजे 80 और 81 हो गया आपका 161 माइनस 72 जोड़ 5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ 161 माइनस 72 रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह बाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाई स्क्वायर का यानी बाई का परिमेयकरण करेंगे। तो देखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब बाई स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, बाई बराबर रूट पाँच प्लस दो, रूट पाँच प्लस दो बटे पाई बराबर रूट पाँच का रूट पाँच से पाँच प्लस दो रूट पाँच, दो रूट पाँच और दो प्लस यानी चार बटे में रूट पाँच का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर पाई, पाँच और चार नौ, और ये हो गया चार रूट पाँच, रूट पाँच का पाँच, दो का वर्ग चार, पाँच में से चार जाएगा तो एक ही बचेगा, एक का डिवाइड करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बाई का मान आ गया। ठीक है, अब हमें बाई स्क्वायर निकालना है। तो देखो बाई स्क्वायर निकालने के लिए नाइन प्लस फोर रूट फाइव का स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर नाइन का स्क्वायर, चार रूट पाँच का स्क्वायर टू ए वी, बराबर नौ का वर्ग 81, ये फिर हो जाए चार चौक 16 रूट पाँच पाँच, नौ दून 18, 18 चौक 72 रूट पाँच, 16 पंजे 80 और 81 हो गया 161 प्लस 72 रूट पाँच, ये आ गया। पहले यह माइनस का था, प्लस का आ गया। अब एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई स्क्वायर का आ गया। एक्स वाई का मान निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्स और, तो इसे मिटा दिया। देखिए दो आंसर आ चुके, तीसरा आंसर करने के लिए एक्स वाई, तो देखो एक्स का वैल्यू थी नाइन माइनस चार रोड, एक्स की वैल्यू थी आपकी एक्स चार रूट पाँच ए थी, और वाई की वैल्यू क्या थी नाइन प्लस चार रूट पाँच ए थी अभी किया था। तो देखो ये सूत्र बन गया, नौ का स्क्वायर चार रूट पाँच का स्क्वायर, नौ का वर्ग 81, चार का वर्ग 16 पाँच, 16 पंजे 80, 81 में से एक। अब देखिए एक्स वाई का मान आ गया है और ये सब वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए इसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान था आपका 161 माइनस 72 रूट पाँच ही था देखो, और वाई स्क्वायर का 161 प्लस 72 रूट पाँच, और एक्स वाई का आपने अभी निकाला है 1, एक्स वाई का कितना निकाला है आपने 1। ठीक है, आप देखो इससे ये कट गया, इन्हें ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक और एक दो, छः छः 12 का दो, एक और एक दो और एक तीन, 322 प्लस एक, तो कितना हो गया आपका 330, क्योंकि ये एक था इसे और ऐड कर दिया, तो यही आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आगे वाले क्वेश्चन इसी तरह आपको करने हैं। हमने क्वेश्चन 18 करा दिया, इनका ही रिवीजन करेंगे। एस्टर में जो छूटे हुए क्वेश्चन वो है और उन्हें सॉल्व करेंगे, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व, QUESTION सॉल्व। ठीक है, ओके, ये आपका SW है, उन्हें इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, कल फिर मिलते हैं।